हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 के फोर्थ चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का हमारा जो टॉपिक चल रहा है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट्स ऑफ रिएक्शन। पहला टॉपिक था टेम्परेचर, उसका सारा टॉपिक का सारा वीडियोस अपलोड कर दिए हैं हम। दूसरा है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट किस तरह से इफेक्ट करता है रिएक्शन को। देखो जी, सिंपल चीज है, पिछला वीडियो में जो हम लोग एनर्जी बैरियर एक देखे हैं, कैटलिस्ट उस एनर्जी बैरियर को डाउन कर देता है, नीचे कर देता है। आप ऐसे समझो कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है, एक एनर्जी बैरियर सेट है, यहाँ पर एनर्जी बैरियर सेट है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को ये एनर्जी बैरियर से पार करना है, ठीक है। तो इफेक्टिव कोलिजन होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब इस एनर्जी बैरियर को अगर हम नीचे ले आए तो मोर एंड मोर मॉलिक्यूल विल पास थ्रू दैट एनर्जी बैरियर एंड हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स फास्टर एंड फास्टर। कैटलिस्ट का एक ही काम है, एनर्जी बैरियर को डाउन करना, नीचे करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी बैरियर को पार कर सकें, ठीक है। और ग्राफ को आप समझ लो, कुछ और पॉइंट्स मैं डिस्कस करता हूं। ग्राफ को आप समझ लो, ये जो ब्लैक वाला है ये रिएक्शन पाथवे या मैकेनिज्म है विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है, यहां लिखा हुआ विदाउट कैटलिस्ट। ये रेड वाला जो डॉटेड वाला है ये है विद कैटलिस्ट, जब कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो ये वाला ग्राफ, जब कैटलिस्ट का यूज नहीं करते हैं तो ये वाला ग्राफ। आप ग्राफ को ही देख लो, किसका एनर्जी बैरियर ज्यादा है, विदाउट कैटलिस्ट का ज्यादा है, विद कैटलिस्ट का कम है। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का एनर्जी यहाँ है, जब एनर्जी बैरियर घटता है तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को कम एनर्जी चाहिए, कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए एनर्जी बैरियर तक पहुंचने के लिए, उसको पार करने के लिए। बिना कैटलिस्ट का, विदाउट कैटलिस्ट ज्यादा एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी। दैट मींस व्हेन कैटलिस्ट इज यूज्ड इट ब्रिंग्स डाउन द एनर्जी बैरियर ड्यू टू विच मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू दैट बैरियर एंड हेंस रिएक्शन बिकम्स फास्टर एंड फास्टर। दिस इज ड्यू टू लोअर एक्टिवेशन एनर्जी इन कंपेयर टू दैट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा। अब आइए कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है। ए कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथवे फॉर रिएक्शन मैकेनिज्म बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड हेंस लोअरिंग द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, जो भी हम बता रहे थे एज शोन इन फिगर। Lower is the value of activation energy, faster will be the rate of reaction and hence a catalyst increase the rate of reaction. Catalyst एक अलग pathway बनाता है, यही pathway हुआ mechanism हुआ जिसमें कि energy barrier कम होता है, जिस कारण rate क्या होता है, fast हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक catalyst का एक molecule reactant के लाखों दसियों लाखों molecules के लिए sufficient होता है। That means catalyst is highly efficient. तो क्या लिखा हुआ, a small amount of the catalyst can catalyze a large amount of reactants. ठीक है? Third point क्या है? Catalyst जो है reaction के spontaneity को standard gives free energy change को gives energy change को delta G को किसी तरह से प्रभावित नहीं करता है, spontaneity से छेड़छाड़ नहीं करता है। ये पॉइंट क्या है, इक्विलिबेरियम को भी डिस्टर्ब नहीं करता, इक्विलिबेरियम कॉन्स्टेंट Kc जो उन्होंने निकाला तो वो किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं करता है। ये होता है कि इक्विलिब्रियम जल्दी फास्टर अटेंड होता है, ठीक है, लेकिन केसी का वैल्यू किसी तरह से प्रभावित नहीं होता, इफेक्टेड नहीं होता, क्योंकि कैटलिस्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन पर इक्वल पावर से काम करता है। तो क्या लिखा हुआ है, ए कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, रादर इट हेल्प इन अटेंडिंग द इक्विलिब्रियम फास्टर, दैट इज इट कैटलाइजेस द फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट so that the equilibrium state remains same but is reached easier, ठीक है, जल्दी आ जाता है, earlier आ जाता है। तो ये था catalyst का सारा topic जो आपको 12th class में पढ़ना है, ठीक है। तो ये अब next topic में हम लोग next factors पे discuss करेंगे, लेकिन जो भी था वो main है temperature, second है catalyst, बाकी छोटा छोटा one liner factor सब आपको पढ़ना है, उसके बाद collision theory, फिर ये chapter हो जाएगा खत्म। चलिए, bye।